तो भाइयों, बहन तो है नहीं कोई। आज आज हमारा टॉपिक है मेक इन इंडिया। जो अभी मैं थोड़ी पहले बात कर रहा था, एक सेकेंड, अभी आऊँगा तुम लोगों के पास, कि जिसके पास रिसोर्स क्रंच होता है वो मेहनत ज़्यादा करता है। तो तुम्हारे पास अगर पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है तो पढ़ लो। तुम जो एक चीज़ अपने जीवन में कर सकते हो, टचवुड, भगवान की कृपा से जहाँ तक भी आज मैं पहुँच पाया, पढ़ाई के दम पे ही पहुँचा। पढ़ाई और मेहनत, कोई भी चीज़ थाली में सजा के कभी नहीं मिली मुझे, ठीक है। अपने आप से रास्ता खुद का खुद बनाया, तभी यहाँ तक पहुँच पाए। मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे, हरामखोरी करोगे तो कहीं नहीं पहुँच पाओगे। तो मेहनत करो। और जहाँ तक बात रही सरकारी नौकरी करने की या फिर SSB में सिलेक्शन लेने की, तो अगर आपकी अंदर कमियाँ हैं, अगर आपको बोलना नहीं आता, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, 5-6 महीने, साल भर में मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज द थिंग। जो मैंने चालू किया है, ये मेरा इनिशिएटिव है, यानी शिवम सारस्वत, यानी कि डिफेंस एग्जाम मास्टर की साइड से। मान लो कि जो बच्चे करना चाहते हैं, जिनके पास माहौल नहीं है, जो कि मेजरली बच्चों के पास माहौल नहीं होता घर पे, हमारे पास भी नहीं होता था, तो वो मैं एक माहौल यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक खुला मैदान मिले। जो भी मेरी लर्निंग्स रही हैं इतने SSB देने की और इतने सारे बच्चों को मेंटर और गाइड करने की, लगभग 10,000 से ज्यादा होगा काउंट अब तक, ठीक है, वो मैं तुम लोगों को सिखा सकूं। उनको तुम जब एक्चुअली ग्राउंड में जाओ, व्हेन यू आर देयर, यू कैन इम्प्लीमेंट दैट स्टफ देयर एंड देन यू गेट सेलेक्टेड, ठीक है। वही चीजें हैं, हर दिन तुम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, थोड़ा सा ज्ञान लेके जाओगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके जाओगे, और फिर वहां पे जब इम्प्लीमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली मैनीफोल्ड फायदा होने वाला है। पुराने लेक्चर्स सारे हमारे रिकॉर्डेड हो रखे हैं, यू कैन चेक आउट दैट इन आर यूट्यूब चैनल, SSB ग्रुप डिस्कशन करके एक प्लेलिस्ट पूरी बनी पड़ी है, उसमें पूरी लेक्चर्स देख सकते हो। स्पीड बढ़ा के देखना, समय बचेगा। यस, अब कुछ बोल रहा था, तू बता क्या बोल रहा था। आई वॉन्ट टू आस्क सर कि इनको ना उसमें कैसे करें। मेरे को बस आपकी फोटो आ रही है, इनकी दादी की सागर की इनकी नहीं आ रही। वेरी ग्रिड व्यू में कर ले, मुझे सबकी आ रही है। क्लियर। ओके नो प्रॉब्लम, लेट्स गो। उसमें तो ग्रिड व्यू में कर सकता है, ग्रिड व्यू आता है एक, व्यू व्यू करके ऑप्शन आ रहा होगा, देखो वहां पे साइड में। तू लैपटॉप से है ना, हाँ, अभी ठीक है सर। हो गया, ठीक है। सो ग्रिड व्यू में मेरे को तुम सब देख रहे हो, अंकित भी दिख रहा है, अंकित और उद्देश्य अगर कैमरा ऑन करके जो बैठा रहेगा भाई, दैट वुड बी मोर गुड। मैं कल आ सकता हूँ? हाँ भाई, तू रोज आ सकता है जब तेरा दिल करे, कोई इशू थोड़ी ना है। एग्जाम गया सर? एग्जाम है तो पढ़ाई कर, कोई बात नहीं, एग्जाम है तो जा पढ़ाई कर। वैसे भी हमारा 15 मिनट चलेगा मैक्सिमम, इफ यू वांट टू स्टे हियर फॉर 15 मिनट्स देन यू कैन स्टे, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आज मेक इन इंडिया पे है बच्चों, तो आई होप सबके पास मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का भारत, करेंट में मेक इन इंडिया की क्या प्रोग्रेस चल रही है, और मेक इन इंडिया भारत को कैसे एक विश्व पटल पे, विश्व पटल यानी कि इंटरनेशनल स्टेज पे एक लीडिंग कंट्री के रूप में दिखाता है, ठीक है। मेक इन इंडिया इज द टॉपिक, हाउ मेक इन इंडिया इज हेल्पिंग, ऐसे करके आपको इस पे डिस्कशन करना है, समझ गए? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ, चालू करें? यस मैं ही स्टार्ट करूंगा, तुम स्टार्ट करोगे यार? आप ही कर लो सर पहले। मैं स्टार्ट करूं? सो माई फ्रेंड्स, आई वुड बी टुडे टॉकिंग टू यू अबाउट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। व्हाट इज मेक इन इंडिया? एज यू, मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया, दैट इज अ लायन बीइंग मेड बाय मल्टीपल मैकेनिकल काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स। दिस वाज द स्कीम दैट वाज बेसिकली लॉन्च्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इन सेप्टेम्बर 2014 टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इंटू अ ग्लोबल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। मेक इन इंडिया मीन्स भारत में हम बनाएंगे, वी विल बी मेकिंग एवरीथिंग प्रोडक्शन, वी विल बी डूइंग इन इंडिया, इंडिजिनस प्रोडक्शन विल बी प्रमोटेड, दैट विल बी अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो ब्रिंगिंग इन इनोवेशन एंड देन ऑल्सो क्रिएट अल्टीमेटली द वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज। Yes, I agree with what Shivan said that making India will create a job opportunities. But right now I am seeing the very very huge amount of growth of making India, such as the defense sector, where Dhruv and
ब्रह्मोस एंड अग्नि मिसाइल्स आर गेटिंग मेड, एंड देन वी हैव स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर वेयर नाउ इट इज इवन प्राइवेट स्पेस सेक्टर इज ऑल्सो कमिंग, लाइक स्काई रूट ऑफ इंडियन स्पेस प्राइवेट कंपनी. And then we have certain another technology which is UPI, which is using by which uses 7 countries right now and 8 including India. So there are a lot of opportunities to make in India with cheaper cost and our resources, everything. But only one thing con is there that we have to implement up to the larger scale, because right now whatever we are numbers is seeing it's not everywhere, sir. If we can implement up to larger extent where infrastructure is large, then we can have a huge impact of Make in India. Yes, also I would like to add one point that recently there I was in news I was listening that India is also going to boost its defense infrastructure, especially means it is one of the example of Make in India initiative that rupees 50,000 crore will be implemented by the year 2027, and one of the example which I have received right now that rupees 15,000 crore will be implemented for fifth generation aircraft. Which will be implemented in defense industry. So that is one of the good example that India itself is working towards a develop working towards as a developed country. Yes, I would like to add So, pointers here. And first thing that I okay. would like to tell you is that Make in India has come a long way since it has been launched. And the first thing, as we have recently seen, HAL Tejas was in news. Tejas is our homegrown indigenous fighter aircraft that is being made by HAL. And it is now recently also got inducted into the Indian Air Force. Second thing is BrahMos missile. BrahMos is a joint venture between India and Russia. We are now manufacturing BrahMos and also exporting BrahMos as well. Third thing, we have recently also inducted INS Vikrant, that is totally made in India, our own indigenous aircraft carrier, and being constructed by Cochin Shipyard Limited. Another thing is Arjun MBT by DRDO, and then our Akash surface to air missile that is also being developed by DRDO, and then Astra, that is a BVR air to air missiles. So these are a few notable examples. Yes, we have achieved a very good amount of self-reliance by the help of Make in India. Follow. Have you seen Yeah, the new with you're following the Make in India? Okay. So by Go following ahead. Make in India, so India have also launched many other programs like Skill India, Digital India, or 100 Smart Cities India. 100 smart cities. So India is now one of the most first most growing economy in the world, and therefore because of that, there are many of many of the India people are getting opportunities. And Make in India, like many of the foreign companies are investing in India. For example, Tesla is are going to build a huge manufacturing field for in Gurgaon for the Tesla manufacturers. Yes, I agree with Ankit and all other gentlemen. Right now, moving other than the defense sector, we have MSME industries, which is also the part of Make in India, and other sectors also. Even farming sector is also having the Make in India impact, where we can use for drone to sprinkle the pesticides, and also mobile phones, where semiconductor is one of the main part of the Make in India, where India is essentially trying its best to have an impact in semiconductor. But right now India is a little slightly behind in terms of semiconductor industry. So I guess after 5 to 6 years we can have a major boost in semiconductor manufacturing. And coming towards the manufacturing, in manufacturing also one of the biggest thing in the Make in India, where manufacturing is ex actually yet to be explored. Yeah, we have some certain numbers that manufacturings are having impact, but I think coming as an Indian country, as an India as a country, where we are in the largest population in the world, so I guess we can have a huge number. So that's why I'm saying it's yet to be explored where this manufacturing sector. And so yes, Sagar, you can add some points.
सर। ओके, सो आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू कॉन्स ऑल्सो हेयर. लाइक एज वी नो कि मेक इन इंडिया विल डेफिनेटली हेल्प इंडिया इन लाइक बिकमिंग अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, बट देर आर ऑल्सो सम कॉन्स एज पर माई से. एंड फर्स्ट थिंग इज द इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस आर देयर. डिस्पाइट द इनिशिएटिव एंड द विजन दैट वी हैव, द ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आर देयर, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज आर ऑल्सो देयर. देन स्किल मिसमैच, देर इज अ ह्यूज स्किल मिसमैच. दैट इज वाई स्किल इंडिया स्कीम वॉज ऑल्सो बींग इंडक्टेड बाई द गवर्नमेंट टू ट्रेन द वर्क फोर्स फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स. वी नीड टू लाइक प्रोड्यूस सीमलेस मैनुफैक्चरिंग ऑपरेशन हैज टू बी देयर. ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज आर देयर इफ यू मेक इन इंडिया एंड वी आर नॉट अनेबल टू सेल द प्रोडक्ट. सो हाउ विल वी ब्रिंग इन द रेवेन्यू? अपार्ट इन्वायरमेंटल कंसर्न इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर. कि रैपिड, वेन वी आर डूइंग द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर मेक इन इंडिया, दैट विल ऑल्सो पोज अ थ्रेट टू द एनवायरमेंट. टू सेट अप द फैक्ट्री, सम जंगल और सम विलेज प्लेस विल बी यूज एंड लॉट ऑफ ट्रीज विल बी कटेड. सो देन दैट इज ऑल्सो What are the इफेक्ट होज. alternatives, sir? What यस are the alternatives सो that सर, was बट saying? was India also exporting the weapons to the other countries like Philippines? India has exporting the exported Brahmos missile to the Philippines and also exporting weapons to the Armenian defense forces also. So I guess Have you seen we can no? rely Have on you the seen Indian products. the recent HAL Tejas crash in the recent Gujarat military exercise? The Tejas crashed, and in the front of, I think there were like 50 countries delegates were there. And the Tejas, it is a bad reputation, I would say, for the India. My friend, I would like to So tell we you. agree with Thinking your about it, I would like to Tejas, add a point. and I would then like to add a point here. The point is, Tejas has never, in the last 23 years of operation, this is the first crash that Tejas yes. has encountered. We cannot say that just it was a crash. Just because of a crash, the aircraft is not good. This has the most. No. It has been our own homegrown product. Very good safety records in more than 10,000 plus sorties. This is the only crash that has happened. It doesn't make the aircraft bad. We are I'm dealing not with saying that the mechanical. aircraft You is have bad. not studied, please do read out, read and check out the fact and data about this. We are in So just Make in are India also you inducted inducted? our space agency also like show like from starting from the Mars mission and now we are doing the Gaganyaan mission and we have successfully conducted Chandrayaan 3. So India is now the first country to reach the South Pole of the Moon because of Make in India. So all the products which are used in these missions are Make in India. Most of them are Make in India. Yeah, Yeah, so so this, yeah, I you would can like continue. to just summarize what all people just said, which is regarding their defense technology, space technology, manufacturing, and etc. So I think Make in India towards its future, where Make in India is going to be concentrated on exports. Export is one of the key thing our GDP. If our export is greater than import, then GDP will boost higher and higher. Then Make in India focuses on cost effective, where resources will be ours and people will be ours. So labor is definitely going to be cheap in India. And then Make in India focuses on providing job opportunities, which is employment guarantee to many, many people. And yeah, and Make in India are also going to bridge try to enhance the skills of the youth, where many youths are having a skill but not able to reach the perfect job opportunity where they are waiting. And yeah, three things that Make in India is yet to be explored, which is manufacturing sector. Manufacturing sector, I earlier told that manufacturing is going to be explored. Then our research. Research is one of the key thing that Make in India is yet to be explored. Our research is not so good compared to other countries. So I guess most number of colleges are present in India, but our research capability is not so good as compared to other countries. We need to produce no Nobel laureates, Field Medal of Mathematics, and Adam Turing Medal of Computer Science. So there are many, many things to be explored. So and also there are some inventions we also need to be done. So inventions and giving productive resources to many, many people, that's the main Make in India focus that it needs to be explored. So that's a conclusion on Yes, behalf of we need the everyone. money that you have said that we can give more money to the what you said that
for the colleges and other things, we need to use that fund of the government to the right sources or the right things. As you earlier said about the scheme, Drone Didi. So today in the newspaper, I have read that for I would say for training of one Didi, it costs around 12 lakhs rupees for just training one woman for the drone मेरे भाई, flying. यू आर टॉकिंग टू समवन हु इज अ ड्रोन पायलट हिमसेल्फ। 12 लाख में कोई ड्रोन पायलट ट्रेन नहीं होता, 36 हजार में डीजीसीए का लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, नो, आज डेटा ही सर मैंने यार, न्यूज़पेपर में पढ़ा है. न्यूज़पेपर में क्या, वेरे वेरे यार, न्यूज़पेपर में यू विल फाइंड डम पीपल आउट ऑल्सो। आई विल टेल यू वन थिंग, कभी भी कहीं से पढ़ के ना, जब तक तुमको उसका ट्रस्टेड सोर्स नहीं पता, मुंह मत खोला करो। आई एम अ डीजीसीए सर्टिफाइड रेटेड इंस्ट्रक्टर, आई एम माई डीजीसीए लाइसेंस। ठीक है, तो भाई पहले तो ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ के मत चिपकाओ, तुम पे भारी पड़ जाएगा। व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, अखबार में पढ़ लिया, 12 लाख रुपए में तेरे को भाई 40 लाख में सीपीएल हो जाता है। ड्रोन उड़ाने में तो क्या है, उसमें कुछ बताया ड्रोन कि उड़ाने में एक को ट्रेन करने में और जो भी सारे पैसे लग रहे हैं उसको ड्रोन देने में जो भी सारे पैसे लग रहे हैं वो 11 लाख रुपए लग रहे हैं. ड्रोन देने में लग रहा है ना, वो ड्रोन की कीमत है, ट्रेनिंग की कीमत नहीं है। तुमने पोर्ट्रे गलत किया, फिर ड्रोन कॉस्टली होगा ना। ड्रोन ट्रेनिंग का हो गया ट्रेनिंग और इज नॉट ट्रेनिंग का हो कॉस्टली। गया सारा लगा के. ड्रोन दीदी वाली जो स्कीम है उसके बारे में आप पढ़ो। आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट, वो क्या है स्कीम है, उसमें मैं पूरी एक वीडियो बना रहा हूँ, पूरी सीरीज बना रहा हूँ उस पर। मैं अभी वेपन सिस्टम वाली सीरीज अपनी चालू करने वाला हूँ। पहली बात तो कहीं से भी पढ़ते हो ना, तो पूरा ढंग से पढ़ा करो, और उसके पीछे बैकएंड में बंदा कौन है वो देखा करो, उसके क्रेडेंशियल चेक करा करो यार। तुम तो वेयर चाहे कैन आई फाउंड लाइक फॉर जियोपॉलिटिक्स, एवरी न्यूज वेयर वेयर आई कैन फाउंड द होल डिटेल ऑफ द थिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड न्यूज. बैकग्राउंड इनसाइडर न्यूज न्यूज आई डोंट नो. भाई, सोर्स क्या है, ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज सुनो, एएनआई पे देखो, ऑल इंडिया रेडियो पे देखो, एएनआई पे देखो, माई गॉव का पोर्टल आता है, जो इंस्टाग्राम पे माई गॉव का पोर्टल है, mygov.in करके वेबसाइट है सरकार की, वहां पे देखो आप, इन सब चीजों पे पढ़ो, सरकारी सोर्सेज हैं। मिनिस्ट्रीज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो गया, गवर्नमेंट का जो माई गॉव का पोर्टल है उस पर तो सारे इन्फोग्राफिक्स आ जाते हैं। ठीक बट है, दोज ऑल आर उनको कौन बना रहा है? गवर्नमेंट वाले तो बना रहे हैं तो उनके भारत क्रिटिक्स सरकार कौन बना रही है ना, तो रहेंगे? भारत सरकार से ज्यादा क्रेडिबिलिटी तुझे और कौन देगा? टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू, वो तो भारत तो मैं सरकार का डेटा क्रिटिक्स है ना। की बात कर रहा हूँ, अगर आपने तो कहीं पे देखना है. हाँ बोल बोल बोल। मैं अगर क्रिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि अगर जैसे गवर्नमेंट तो कभी भी वो नहीं बताए ना कि अरे भैया रियल क्या पैसा कितना खर्च हो रहा है या जो भी, मतलब बात कर रहे मैं हैं, वो नहीं बोल रहा कि भाई गवर्नमेंट क्यों को नहीं गलत ही बताएगी, बताना है. पर क्यों नहीं बताएगी, देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी हैपनिंग मैन। क्यों नहीं बताएगी, गवर्नमेंट डेटा नहीं देगी तो तुमको डेटा नहीं देगी तो किसको देगी यार भाई। वो कांग्रेस गई, कांग्रेस गई, करंट सिनेरियो में बात करो, मेरे देश की इमेज पिछले 10 से 12 साल में कितनी अच्छी हुई है, बोलोगे बीजेपी सपोर्टर हो, जो दिखता है आंखों के सामने उसके डेटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ ना यार। जो देश की अवस्था थी जब मैं स्कूल में था 2010 में, और जब मैं कॉलेज में आया, जो 10 साल में इन्होंने मिट्टी पलीद करी थी, 10 साल में देश देखो कहां से कहां पहुंच गया। अगर वो वो कर तो वाली, सुन ले मेरी बात, बात सुन ले पहले, ठीक है, गवर्नमेंट सारा डेटा देती है, तुम्हारा अधिकार है, तुमसे तुम निकालना सीखो, आरटीआई डाल दो, तुमको भी दे देगी सरकार डेटा, तुम मांगो तो सही, तुम्हारे पिछवाड़े में दम होनी चाहिए। पूरा डेटा जो आता है ना, फैक्ट एंड फिगर, जो भी सिटीजनशिप एंगेजमेंट प्रोग्राम होता है ये सरकार का, सब सही आता है वो। ठीक है, न्यूज़पेपर गलत हो सकता है, सरकार गलत डेटा नहीं दे सकती, उनके ऊपर वो बैठे हैं, उनके उनके ऊपर भी स्क्रूटनी हो जाती है, गलत डेटा देंगे तो। पॉलिटी पढ़ना ढंग से, पता लगेगा आपको, सरकार भी गलत डेटा नहीं दे सकती नागरिकों को आज की डेट में। ठीक है, ये जो एलसीए में घोटाला इन्होंने किया था ना, सॉरी रफेल घोट रफेल डील ड्रामा मचाया था इन्होंने, घोटाला था, निकला घोटाला, कुछ नहीं निकला, गवार लोग हैं, पता ही नहीं इनको कि एक एयरक्राफ्ट की जो लाइफ साइकिल कॉस्ट होती है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है, वेपन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करी जाती है, सिंगल एंटिटी की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करी जाती है, कुछ निकला, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी। अगर तुझे सरकार की चीजों से इतनी दिक्कत है तो चला जा सुप्रीम कोर्ट, तू मांग ले, बिल्कुल कभी भी सरकार के अंगेंस्ट नहीं बोलना होता। ज्यादा ज्यादा होशियारी दिखाओगे, तुम अफसर बनने जा रहे हो वहां पे, क्लास वन। ठीक ये बात मैंने सुनी थी आपसे, कल भी सुनी थी कि सरकार है, के खिलाफ और नहीं पहली बोलना. बात, और मैं इसलिए इतना सॉलिडिफाई होके बोलता हूँ कि बिकॉज मुझे पता है कि ना सोर्सेज रिलायबल है। मैं तुमको ओरिजिनल सोर्सेज बताता हूँ, मैं अखबार पे कभी भी भरोसा नहीं करूंगा। अखबार में भी तो वो जो एडिटर है वो अपना व्यू पॉइंट डाल रहा है ना उसमें, पर जब तू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात करेगा तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर तुझे घुमाएगा नहीं ना भाई, हाँ
ये किसकी किताब है? वाई भारत मैटर्स, जयशंकर लिख रखा है तो जयशंकर की होगी, भाई देश बदल रहा है, जयशंकर। मतलब बदल चुका है, ठीक है? तो कभी भी देश तो सर क्रेडिबिलिटी, पूरी जर्नलिस्ट की पूरी दुनिया, क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी से भी चाहे, किसी के तुमने चलते फिरते किसी से सुन लिया, वही तो ट्विटर तुमने चिपका दिया, तो तुम खतरे में पड़ जाओगे, फिर तो फिर दिक्कत है। सो अखबार वगैरह भी पढ़ो ना, तो एक एक बार मेरा मेरा ये इतना सा कहना है कि ड्यू डिलीजेंस जरूर किया करो। आंखें बंद करके मैं भी भरोसा नहीं करता भाई। मुझे मुझे मान ले दादी ने कुछ बोल दिया कि सर मैंने ये पढ़ा था, सर देखना ये चीज हो गई। किसी बच्चे ने कल मुझे ममता बनर्जी का फोटो भेज के बोला, भैया दीदी मर गई क्या? मैंने कहा क्या बात करते हो अच्छा यार? मैंने कहा नहीं, हॉस्पिटलाइज हुई है, बिकॉज माई वाइफ इज फ्रॉम कोलकाता। अब वो फोटो देखोगे तो तुम्हें लगेगा नहीं मर गई, सच बताओ, ऐसे तो लग रहा है मर गई। तो यार ऐसे नहीं होता, अपना इनर कॉन्सेंस भी जिंदा रखो, पूछ, वेरीफाई करा करो चीजों को भाई। पता है क्या होता है, हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है ना, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, भारी पड़ जाती है भाई अपने ऊपर, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन भारी पड़ जाती है, तो वो वाली चीज है। सरकारी सोर्सेज पे भरोसा कर सकते हो यार, वो जमाना नहीं है अब, यू कैन काउंट अपॉन देम। पूछ सकते हो आप सरकार से सवाल, आपकी अदालत में बुलाता है रजत शर्मा कि आप ऐसे कर देते हो, ऐसे कर देते हो, देखा करो, दे गिव लॉजिक ना, बस वही वाली बात है। ओके चलो ये चीज समझ के आगे चलते हैं। हाँ आगे ये था कि हमारा आज का कंक्लूजन, जैसे मैंने आज का बढ़िया था, हमारा उद्देश्य ने एक अच्छा काम किया, उद्देश्य ने उसको कंक्लूड करने की कोशिश करी। उद्देश्य के कंक्लूड करने के बाद यहाँ पे यादव ने क्या किया, यादव वाज बेसिकली पुराने उस पे जा रहा था। तूने जब देखा कि जीडी एक डिस्कशन, एक एक हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं मेनली ना भाई, कंक्लूजन की तरफ जा रहा है तो वापस उसको शुरू से मत उठाओ, कंक्लूजन में ही कुछ ऐड कर दो। तो आई थॉट कि अभी और चलेगा थोड़ी देर, इसलिए ठीक चलेगा नहीं, देख मैक्सिमम जो टेन्योर रहेगा ना 25-20, 25-20-25 मिनट मैक्सिमम जाएगा। पहली बात तो कहीं भी अनवेरीफाइड सोर्सेज से भरोसा नहीं करना, ड्यू डिलीजेंस करना है, फैक्ट चेक किया करो हमेशा, नहीं तो तुम्हारे को कोई ऐसी गुमराह कर देगा आई हवा। मीन दिस टाइप ऑफ थिंग, वेयर कैन आई लाइक डू द ड्यू डिलिजेंस और आई फैक्ट विल मेक अ चेक, वीडियो वीडियो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि बच्चे कहां से लाइक कैसे। दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी विल नॉट गेट दिस आंसर फ्रॉम एनी ऑफ द साइट, दिस आर लाइक हाँ मैं बिल्कुल इस पे एक वीडियो बना के दे दूंगा तुमको, टेंशन मत लो, एक बकायदा वीडियो बना के दे दूंगा कि क्या क्या सोर्सेज जिन पे तुम क्रेडिबिलिटी है जिनकी कुछ ना। अब अल जजीरा ने बोल दिया, सीए लॉन्च हो गया था कल, कल भी वो मैंने तो अलग है, वो बताया अलग है। हाँ ना, वो तो मतलब कुछ ही बोल सकते हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं, अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट के खिलाफ ही बोलना है उसको हमेशा, वो तो बोलेंगे ही क्योंकि वो तो है ही अपोजिट में, तो अपोजिशन वाले हैं ना। अब दिल्ली वालों को फ्री की बिजली मिल रही है, फिर भी मेरे को भी मिलती है, 200 यूनिट फ्री है, पर नहीं करता ना मैं सपोर्ट, मुझे पता है ना क्या कि क्या अवस्था कर रखी है। सो दैट इज हाउ इट इज यार, ठीक है? तो मैं पॉलिटिक्स एक में तो है, वीडियो, सभी बंदे ऐसे हैं। हाँ सेपरेट बनाऊंगा वीडियो, उसमें मैं तुम्हें कुछ सोर्सेज बताऊंगा, उसको देखना तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिलेगी, वहां से करा करो फॉलो, ठीक है? टाइम इज अप गाइस, वी विल बी रीजॉइनिंग अगर तुम्हें कुछ और बात करनी है तो, ठीक है? बस दिस दिस इज सेव्ड, उसको सेव नहीं करेंगे, दिस इज सेव्ड। तो बच्चों जिसने जीडी देखा, अगर तुमको भी पार्टिसिपेट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा यार, वहां से ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, और आप भी आ सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे हैं। चलो जय डू हिंद। वी हैव टू ज्वाइन अगेन? हाँ यू वॉन्ट टू टॉक समथिंग, यू कैन ज्वाइन अगेन। ओके।